तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर की। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में हमने आपको ओवरव्यू दिया था कि सिस्टम क्या है, कैसे है। ऐसे ही आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपके साथ फोल्डर के बारे में, फोल्डर या ड्राइव के बारे में। तो आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे हम यहाँ फोल्डर है या फिर राइट कोई भी फोल्डर खोल लिए या फिर राइट क्लिक करके आप एक्सप्लोरर पे फाइल एक्सप्लोरर आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट मेनू पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा फाइल एक्सप्लोरर। जैसे मान लीजिए ना कि आपको कहीं फाइल में जाना है, यहाँ पे देखिए कहीं पे आपको मद्दिस पीसी या माई कंप्यूटर का लोगो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे डी ड्राइव में जाना है, फोल्डर खोलना है, तो यहाँ टास्क बार में फोल्डर का निशान बना हुआ ये होता है, इस पर खोल के जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों यहाँ से अनपिन कर दिया जाता है, मतलब कि यहाँ से हम अनपिन कर देंगे तो ये फोल्डर वाला पाथ जो है यहाँ से हट जाएगा। तब क्या करेंगे, तब आप स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक कीजिए और जाइए फाइल एक्सप्लोरर पर। जब फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा, जहाँ पे क्विक एक्सेस, मतलब कि अभी जो हमने रिसेंटली फाइल खोला है उसका यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ साइड में जो आप देख रहे हैं आपके पूरे चीज मिलेगा। आप चलिए दिस पीसी पे, दिस पीसी पे आपको देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जो है ये सारे आपके ड्राइव है। अब ड्राइव क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। हमने बताया था और दोबारा ही बता रहा हूँ कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होता है। मेमोरी जो आदमी का जो दिमाग होता है वो मेमोरी, जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं। आप मोबाइल भी खरीदते हैं तो बोला जाता है कि 4 GB का रैम है और मेमोरी 80 GB का मेमोरी है या 60 GB का मेमोरी है। तो दो तरह की मेमोरी होता है, रैम और हार्ड डिस्क। रैम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है, बोल रहा ना अमर रीड ओनली मेमोरी। तो क्या होता है, जब भी आप कुछ करते हैं, समय राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने का या रिफ्रेश करने का जो कमांड है पहले रैम पे जाएगा, रैम उसको क्यू पे रखेगा, देन आपका प्रोसेसर को भेजेगा, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके फिर वापस रैम को भेजेगा और रैम आपको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये समझिए कि रैम जो है, जितना ज़्यादा रैम होगा, जितना अच्छा रैम होगा आपके कंप्यूटर, उतना ही तेजी से, उतना ही फास्ट चीज़ों को कर पाएगा, हैंग जो है कम होगा। और दूसरा जो हार्ड डिस्क होता है इसको हम लोग स्टोरेज कहते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है वो हार्ड डिस्क आपका सिस्टम में होता है जिसमें स्टोर करते हैं, उसी हार्ड डिस्क में यहाँ पे पार्टीशंस होते हैं जिसमें ई ड्राइव सी ड्राइव बोलते हैं। अब किसी भी कंप्यूटर में आपको दो दिखेगा, सी ड्राइव और डी ड्राइव, किसी कंप्यूटर में 3 दिखेगा, किसी कंप्यूटर में 4 दिखेगा, और डिपेंड करता है कि उसकी कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है। जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर 1 TB का हार्ड डिस्क है, 1 TB मतलब 1 TB, मतलब कि 1024 GB, तो क्या करेगा कि एक ड्राइव में ना रख के उसको बांट देगा, कैटेगराइज कर देगा। तो ये जो इसी ये ड्राइव होता है यही होता है। अब किसी भी ड्राइव को ओपन करेंगे तो उसके अंदर दिखेगा फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, सब फोल्डर के अंदर फाइल, तो ये आपका ड्राइव होता है। ओके, अब यहाँ पे किसी ड्राइव का स्पेस यहाँ पे दिख रहा है 134 GB फ्री ऑफ द 233 GB, 223 GB का ड्राइव था जिसमें से 134 GB फ्री है, ऐसे यहाँ इससे भी दिख रहा है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, दिस पीसी पे होता है। अब यहाँ पे हम रैम कैसे पता करें, आपने हार्ड डिस्क तो यहाँ से आप जोड़ लोगे। अब बात करते हैं रैम, कि हम रैम कैसे पता करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में रैम कौन सा है, कितने बिट का कंप्यूटर है, कौन सा एप्लीकेशन डला हुआ है, वगैरह वगैरह। तो आपको दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे तो पूरी आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डिवाइस नेम, तो इस कंप्यूटर का नाम IPT है। हर कंप्यूटर का एक अपना नेम होता है, आप खुद से रख सकते हो या डिफॉल्ट विंडोज 1 2 3 इस तरह से
एक सिस्टम डिफाइंड नेम आता है। अब बारी आती है प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर का। प्रोसेसर को हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्ड। जैसे इंसान का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, हार्ड होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का हार्ड है। तो इसमें आपको दिखाता है कि आपका कंप्यूटर कौन सा है। जैसे कि इंटेल, मतलब कि इंटेल एक कंपनी है। इंटेल क्या है, कंपनी है। तो प्रोसेसर एएमडी, इंटेल, एप्पल, ऐसे दो तीन कंपनियां प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर बहुत कम कंपनी बनाती है। तो इंटेल कंपनी की प्रोसेसर है और इस कौन सा है, आर कोर i5। i5 दिख रहा है ना, कोर दिख रहा है, i5 कोर i5। और इसका हो जाता है मॉडल 8250U। और ये आपका हो जाता है स्पीड। इसकी स्पीड जो है 1.60 GHz टू 1.80 GHz डेटा को पर सेकेंड ट्रांसमिट करता है। ये इसका स्पीड हो गया। अब आता है इंस्टॉल रैम। इंस्टॉल रैम मतलब कि इसमें कितने रैम लगा हुआ है। तो ये देखिए 20 GB आपको दिख रहा है, मतलब पीसी में 20 GB का रैम है। लेकिन यहाँ का दिखा रहा है 19.9 GB यूजेबल। अब बोलेंगे फिर इसमें 100 MB कहाँ गया। तो 100 MB जो है सिस्टम ने एक्वायर कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। जैसे खेत होता है, तो अगर मान लीजिए आप खेत अगर लेते हैं 2 कट्ठा खेत लिए और 4% का मेड़ होता है ना, तो मेड़ के लिए तो एक साइज होती है, उतना तो आपका खेत से कट जाता है ना। तो वही समझिए कि उतना MB हट जाता है। बाकी डिवाइस, प्रोडक्ट ID, इसे माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे चीज़ें होती है। विंडो 11 है वर्जन है, उसके बाद इंस्टॉल डेट कब हुआ था ये, और यहाँ पे आता है विंडो फीचर्स पैक। इसमें अगर यहाँ पे एक्सपायर दिखाया गया, विंडोज़ की चीज़ें अगर नहीं दिखाया, इसका मतलब है कि आपका विंडोज पायरेटेड है, एक्सपायर नहीं है। तो किसी भी कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके उसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके अभी नहीं है मेरा, मेरे पास ओरिजिनल है, इसमें नहीं है, अरे यहाँ पे आता है इस लोकेशन पे। ये जो आपका विंडो का डिटेल दिख रहा है ना, ये विंडो का डिटेल नहीं आता इस पर, आपको विंडो इज नॉट ओरिजिन जेन्युइन करके मैसेज आता है यहाँ। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने हार्ड डिस्क के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं फोल्डर क्रिएशन। देखिए फोल्डर जो क्रिएट होता है वो किसी न किसी ड्राइव में होता है। आप बोलेंगे मैं तो डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, तो जो आपका डेस्कटॉप है वो आपका सी का है। जो सी आपको दिख रहा है भरा हुआ, तो जो आपका विंडोज है वो सी में इंस्टॉल होता है। अभी भी जो विंडोज देखा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को रन करता है, हार्डवेयर को निर्देश देता है, और एक तरह से समझिए कि मेन सॉफ्टवेयर होता है। और उसमें हम बाद में विंडोज नहीं होगा तो कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो मेन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, विंडोज है। तो विंडोज जो इंस्टॉल होता है या कोई भी मोस्टली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो आपके सी ड्राइव में होता है। और सी ड्राइव में आपको यह यूजर नाम का फोल्डर दिख रहा है, इसी में आपका माई डॉक्यूमेंट, आपका डेस्कटॉप, आपका बाकी सारी चीज इसी में स्टोर होता है। अगर आप विंडोज डिलीट कर रहे हैं, मतलब अनइंस्टॉल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो डेस्कटॉप और इसका माई डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह का जो डेटा है वो कॉपी कर दे, उसको अलग कर दे, विंडोज डिलीट करना है, फिर से नया विंडोज चढ़ाना है, तो इसी को हम कॉपी करते हैं और विंडोज की फाइल एड हो गई। और प्रोग्राम जो आप दिया हुआ, जैसे आप एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एमएस ऑफिस है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स है वो आपकी प्रोग्राम फाइल में होती है। इसलिए इसके अंदर की चीज़ों को छेड़छाड़ न करें। हम तो कहेंगे कि सी ड्राइव के अंदर आप कुछ करें ही ना, जो भी कुछ करना है बाकी ड्राइव में करें। जैसे ई ड्राइव पे मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो मुझे बाहर ई ड्राइव में ही फोल्डर बनाना है, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और अपना फोल्डर क्रिएट कर देंगे। और यहाँ जैसे मान लीजिए 2020 का फोल्डर चाहिए, तो 202 जो फोल्डर का नाम है हम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डर के नाम में इस तरह का स्लैश जो दिख रहा है ना, स्लैश, सेमी कोलन, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन,
ऐसी सिंबल जो है नहीं आता है। अगर मान लो कुछ लोग क्या डेट के नाम से फोल्डर बनाते हैं, तो डेट के नाम से फोल्डर बनाना है तो आप स्लैश का इस्तेमाल ना करके डैश का इस्तेमाल करें, जैसे कि 09-10, समझे? इस तरह से फोल्डर बना सकते हैं, आपका फोल्डर बन गया। अब फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2020 का फोल्डर बनाया। अब 2020 के फोल्डर के अंदर में महीना चल रहा है सितंबर, सितंबर का फोल्डर बनाना है तो मुझे 2020 पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करना होगा। ऊपर दिख रहा है 2020, मतलब कि 2020 हमारा ओपन है। फिर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और इसमें हम सितंबर का फोल्डर बना देंगे। एंटर कीजिए, सितंबर का फोल्डर बन गया। अब सितंबर के अंदर मुझे 10 अगस्त का फोल्डर बनाना है तो फिर सितंबर के अंदर क्लिक डबल क्लिक करेंगे और फिर न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ सितंबर का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए कि हमने एक फोटो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए कोई फोटो कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई फोटो आपको कॉपी पेस्ट करना है, इंटरनेट से फोटो मान लीजिए आपको कॉपी पेस्ट करना है, इसी फोटो को कॉपी करना है, तो राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए। अब कॉपी करने के बाद डायरेक्ट इस पर पेस्ट नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि आपने कॉपी किया है, उसको पेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पेंट पे जाना होगा। पेंट पे क्लिक कीजिए, देन इसको सेव करिए। और मुझे 2020 के अंदर, सितंबर के अंदर, 10 के अंदर इस फोल्डर फोटो को डालना है पीएच नाम का। तो अगर आपको पीएच नाम का फोल्डर ओपन करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे आपने कंप्यूटर जस्ट खोला, डेस्कटॉप आपके सामने दिख रहा है, अब आपको जो है पीएच नाम का फोल्डर ओपन करना है तो सबसे पहले आपको फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, नीचे फोल्डर। अगर फोल्डर ना हो तो कहाँ क्लिक करेंगे? स्टार्ट पे राइट क्लिक करके जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे दिस पीसी में, हम कहाँ जाएंगे? ई ड्राइव में। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 2020 में। फिर कहाँ जाएंगे? सितंबर में। और कहाँ जाएंगे? 10 सितंबर वाली फाइल के अंदर। उसके बाद इसको आएगा, इसको जो करना हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर है, ताकि उस फाइल तक पहुंच सके। पहुंचने का प्रोसीजर हमने दिखा दिया कि सबसे पहले आपको ड्राइव पता होना चाहिए, ड्राइव के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, तब उसके अंदर जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस तरह से हम फोल्डर बनाते क्यों है इतने सारे? हम डायरेक्ट ई ड्राइव में यहाँ ना डाल देंगे है? तो कल हमने बताया था कि हमको कैटेगरी के हिसाब से फाइल को अरेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए ना कि आपको आपके पास 2000 बुक है और 2000 बुक को ऐसे कैमरा में फैला दीजिएगा। अगर आपको किसी एक ऑथर के साइंस का बुक खरीदना होगा तो पूरा 2000 फाइल को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको पहले दूसरे में फाइल मिल जाए, या हो सकता है कि सबसे लास्ट में मिले। तो अगर आप क्या करेंगे, आप उसको सब्जेक्ट वाइज या ऑथर वाइज अरेंज कर देंगे। ये साइंस का बुक है, हिस्ट्री का बुक है, फलाने का बुक है, मैथ का बुक है। आपको साइंस में ऑथर का बुक चाहिए तो साइंस में 5 ऑथर है तो 5ों का अलग अलग आपने लिख दिया कि आर के सिन्हा का ये बुक है, बीबी भारती का ये बुक है, मिस्टर रमेश कथोड़िया का ये बुक है। तो अगर आपको बोला गया कि साइंस का बुक चाहिए बीबी सिन्हा का, तो आप क्या करेंगे? साइंस वाले सेक्शन में जाएंगे जगह पे, और जाएंगे बीबी सिन्हा वाले जगह पे जाएंगे, वहां से बुक निकाल लेंगे, ये आपके लिए आसान होगा। तो उसी तरीके से अगर मुझे 2020 के 10 अगस्त का फाइल चाहिए, 10 सितंबर का फाइल चाहिए, तो अगर मान लीजिए कि 500 साल का डेटा होता, मतलब 1500-1600 फाइल अगर ऐसे पर रखा तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता। जैसे कि यहाँ देखिए इसमें डाउनलोड में, अब इसमें फाइल को बहुत खोजना पड़ रहा है ना, इस तरह से रहेगा तो पता चलेगा। लेकिन मुझे 10 अगस्त पता है, 10 सितंबर 2020 हम जाएंगे ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में जाएंगे 2020 में सितंबर के 10 तारीख के फोल्डर क्लिक करेंगे, उसमें से डेटा निकालेंगे।
इसलिए हम फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर रखते हैं, ताकि जब हमारे पास बहुत ज्यादा फाइल हो तो हमें उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, उसको उसको चेंज करना है या उसको लेना है, कुछ भी करने के लिए हमें प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज है कि आपको हर बार जो है डिस्क पीसी में जाके ई ड्राइव पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से क्विक एक्सेस है, इसको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा, इस तरह से ई ड्राइव भी है, देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लिस्ट जो है यहाँ से भी आप अपनी फोल्डर में जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ फाइल को बहुत यूज करते हैं, कई बार दिन में खोलना पड़ता है या बार बार खोलना पड़ता है, तो हर बार मुझे इतना लंबा अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस केस में हम डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट कैसे, उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सेंड टू, सेंड टू आया, सेंड टू में आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, दिख रहा है, क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे देखिए ये आपका शॉर्टकट बन गया, दिख रहा है शॉर्टकट का निशान कैसा होता है। तो शॉर्टकट में आपका शॉर्टकट लिखा होगा, हालांकि हम इसको रिनेम कर सकते हैं, लेकिन इतना इस पे जो तीर का निशान है इसका मतलब क्या है, शॉर्टकट है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी आपकी, समझे, ओपन हो गई, क्योंकि ये शॉर्टकट का निशान बना हुआ। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फाइल डिलीट हो गई है, नहीं, फाइल हमारा ऐसा ही है, क्योंकि ये जो है एक मिरर की तरह काम कर रहा था। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, नहीं कंट्रोल डेट पे कंट्रोल जेड नहीं होता है, हाँ इसको एक वापस सेंड करते हैं, यहाँ आया, दो दो बन गया, चलिए हाँ उधर चला गया, हम नहीं देख पाए थे, वाइट विंडो है इसलिए देख पाए। तो ये शॉर्टकट जो है सिर्फ फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे किसका भी फोटो हो, फोल्डर हो, हर किसी का शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट क्यों बनाएंगे, जब आपका फाइल काफी अंदर होगा और उस फाइल को आपको बार बार यूज करना है तब शॉर्टकट बनाएंगे, ओके। अब बात करते हैं फाइल, जब आप किसी कोई फोल्डर खोलते हैं तो मुझे कैसा दिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैं डाउनलोड फोल्डर में खोल रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे लिस्ट में दिखता है। तो जो फोल्डर के अंदर अपनी जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं, अब व्यू पे जाइए, ये देखिए लेआउट दिख रहा है, इस लेआउट पे अगर मैं डिटेल पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह से फाइल दिखेगा, कंटेंट पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा, टाइटल पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा, स्मॉल आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा, लार्ज आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा, लार्ज आइकन एक्स्ट्रा लार्ज है लार्ज कीजिएगा ये दिखेगा, मिनिमम लार्ज में दिखेगा। तो अब जैसे कि होता क्या है कि मुझे फाइल लेना है, जैसे डेटाबेस के बहुत सारे फाइलें दिख रही है ना, अब मुझे ये लेना है कि भाई जो कल मैंने फाइल बनाई थी वो चाहिए, कल मैंने एमएस एक्सेस की एक फाइल बनाई और मैं भूल गया कि उसका नाम क्या रखा, लेकिन मुझे पता है कि एमएस एक्सेस की फाइल है और माय डॉक्यूमेंट में है, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम अपने फाइल लिस्ट को डिटेल पे क्लिक कर देंगे, डिटेल पे कर दिए तो डिटेल में क्या हुआ, फाइल का नेम, डेट ऑफ मॉडिफाई, टाइप, साइज सब आ गया। तो मैं यहां से डेट दे सकता हूं कि हाँ भाई कल जो फाइल बनाई थी ये आपका कौन सा फाइल था, ये है कल का फाइल, है ना, इसको इस तरह से फाइल को देख सकते हैं, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कुछ फाइलें होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल जो है मेरे अलावा कोई नहीं देख पाए, मतलब कि मैं जो है फाइल को मैं चाहता हूं कि कोई भी इजीली मेरे फाइल को ना देख पाए या फोल्डर को ना देख पाए, तो आपको क्या करना है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना, कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो,
राइट क्लिक करके जाना है, प्रॉपर्टी पे जाना है और इसके पीछे व्यू दिख रहा है रीड, ये आपका हिडन, हिडन पे क्लिक कीजिए, ओके कर, वो फाइल आपका हाइड हो गया ना। अब लिस्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब बोलोगे सर कल के डेट में मुझे चाहिए तो कैसे लाएंगे, तो आप फोल्डर में जाएं और व्यू पे सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करें और इसके ऑप्शन के अंदर व्यू है, व्यू पे क्लिक करें और यहां पे दिख रहा है डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। इसके नीचे क्या आ रहा है, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, आ गया। बट ये हाइलाइटेड है, इससे पता चल रहा है ये हमारा क्या है, हिडन फाइल है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, तो फोल्डर क्रिएशन समझ में आ गया, फोल्डर को अच्छे से समझ गए, हार्ड डिस्क के बारे में समझ गए, रैम के बारे में समझ गए, माई कंप्यूटर समझ गया, ड्राइव समझ गया, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे, फोल्डर को कैसे मैनेज करेंगे, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम बाकी चीजों पे बात करेंगे।